फिल्मी दुनिया वालों ने एक गिरीधर 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 क्यों ये गोटे तार लहंगा ये गोटे तार लहंगा निकलू जब डाल के ये गोटे तार लहंगा ये गोटे तार लहंगा निकलू जब डाल के ये गोटे तार लहंगा निकलू जब डाल के चुनिया चल जाए आए हाय मत डरो चुनिया चल जाए तेरी मतवाली चाल पे अब सोने जिन जिन पे जो हथियार लगे उन्हें सबरे तान के मानेंगे उन्हें सबरे तान के मानेंगे उन्हें सबरे तान के मानेंगे आज सवेरे तक सबरे तो को पहचान के मानेंगे तो को पहचान के मानेंगे तो को पहचान के मानेंगे कछ मान जाएंगे राजी ते कछ ठान कुठान के मानेंगे ये ठान रे कछ ठान कुठान के मानेंगे और चम चम के रस में ये रडुआ तेरो लहंगा सान के मानेंगे क्यों नो कह रहे क्या लोड़ा 6 फीट मांग रही है बिल्कुल नीट मांग रही है अब हम कह देंगे जो अरे बारिशों की सब निशानी चूस आती है चाचा कह दूं बारिशों की सब निशानी चूस आती है जैसे भूड़ की मिट्टी सारा पानी जैसे भूड़ की मिट्टी सारा पानी चूस जाती है और इन हसीनों से बच के रहना मेरे यार इन हसीनों से बच के रहना क्योंकि ये वो दीमक हैं जो सारी जवानी चूस जाती है और ये 50 रुपया हमारे अशोक जी के साले और आकाश के मामा वो खुश होकर के 50 रुपया दे रहे हैं मामा भांजे दोनों बहुत बहुत धन्यवाद है ये गोटे तार लहंगा निकलू जब डाल के चुरिया चल जाए चुरिया चुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे गांव में कोई जाने ना शहर में पहचाने ना तो बड़े बड़े नेतन को ट्वीट मांग रही है बड़े बड़े नेतन को ट्वीट मांग रही है और सदस्य को पर्चा जाने आज तक भरो ना है सदस्य को पर्चा जाने आज तक भरो ना है पर सांसद की परमानेंट सीट मांग रही है अरे सांसद की परमानेंट सीट मांग रही है अरे जाने सब बाजार है ये पक्की छिनार है ये छिनार है रे सारी गामा पाला भी सारी गामा बता रहे थे पक्की छिनार है तो महिला मोर्चा को किरीट मांग रही है महिला मोर्चा को किरीट मांग रही है पर जो पूरी पर बंदी है भाई ठंड में ये ठंडी है ऐसे बूढ़े बूढ़े टोकरन पे हीट मांग रही है बूढ़े बूढ़े टोकरन पे हीट मांग रही है बूढ़े बूढ़े कुंती को देवर क्यों नहीं मिला गुरुदेव थोड़ी सी ने कन्नी पत्ते बोले तारा को देवर मिल गया सुग्रीव विभीषण मिल गया मंदोदरी को लेकिन उसको देवर क्यों नहीं मिला कुंती को क्यों नहीं मिला अरे तुम्हें यही पता नहीं है
क्या कुंती के कोई देवर था ही नहीं? अरे सट्टे की लिखाई कर रहे हैं। अरे कुंती के जेठ थे धृतराष्ट्र, उनके छोटे भाई थे पांडु। तो जब पांडु पहले मर गए तो जेठ के पास तो आजू औरत कह देते नहीं नहीं कुंगो सब जानते और गलत तो ना कह रहा हूं मैं, सही कह रहे हो, देवर है ही नहीं और विदुर है वो दासी पुत्र है, उसके साथ कैसे शादी कर ले? बिल्कुल। और सती इसलिए नहीं हुई क्योंकि मात्री ने कह दिया था कि मैं सती हुई जाती हूँ, ये जो दो मेरे बेटे हैं नकुल सहदेव, ये अर्जुन भीम धर्मराज की तरह ही आपके हाथों में मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए वो सती भी नहीं हुई कुंती और शादी भी नहीं की। शादी भी नहीं की। और अगर दूसरी तरीका से पूछो रावत जी तो पांडु जो हतकाए पांचवें पति हैं कुंती के, पहले सूर्यदेव जिनसे कर्ण हुए, दूसरे इंद्रदेव जिनसे अर्जुन हुए, तीसरे पवन देव जिससे भीम हुए, भय के नाम है, तो पत्नी की तो लाइन लग रही है। और का देख, इनने पांच पति ना देखे, इनने पांच मो पांव देखो है। तारा मंदो तरीका हो गया निस्तारा है, तारा मंदो तरीका, तारा मंदो तरीका हो गया निस्तारा है। और दोनों का बजा देखो मर्जी से, दोनों का ही बजा वो तू तारा है, दोनों का कुछ नहीं मालूम, सवेरे की खबर मालूम है आएगी। पचकन्या का मतलब यह है कि किसी भी पुरुष के साथ रात्रि में समागम करे और सुबह के सूर्य की पहली किरण के साथ ही वो कन्या भाव को प्राप्त हो जाती है, कुंवारी बेटी जैसा शरीर सब कुछ कुंवारा हो जाता है, इसलिए इन्हें पंचकन्या कहा गया। जे जे। कि किसी के साथ सोने में भी इनको कोई भी दोष ना लगे, ना लगे, इसलिए उपाधि है। क्या समझा रहे हो मुर्गन को? अरे ना देवर कोई, ना देवर कोई कुंती के जो करते पूरन काजा, दे बजा प्रेम का बाजा बाजा, लीला प्रभु की देखो, अरे लीला प्रभु की सबको पारे उतारा है, लीला प्रभु की सबको पार उतारा है, मर्जी से हर काऊ को बजो वो तो तारा है, मर्जी से हर काऊ को बजो वो तो तारा है। और रात भर में इन्हीं का जवाब मैंने दिया है, अगर आपकी इजाजत हो तू क्यों ना लाए और